बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन वेन यू वर मच यंगर? क्या आप जानते हैं कि आपके माता पिता को आप अब ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं बजाय तब के जब आप छोटे थे, ज़्यादा छोटे थे? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ द एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। देखिए, शायद अब आप अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं द रीजन्स, उन कारणों को, फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, जो काम वो किया करते थे दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जो काम पहले आपको अपसेट कर दिया करते थे, उनका कारण जानकर अब आपको लगता होगा कि शायद हमारे माता पिता पहले जो हमारे साथ करते थे ठीक ही करते थे। तो अब आप उनका रीज़न जानने लग गए हो कि क्या रीज़न है, कि क्या रीज़न होता था कि हमको वो ज़्यादा डांटते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज़ फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो कहानी है वो एक छोटी बच्ची के बारे में, हुज़ फीलिंग्स फॉर हर फादर, जो कि जिसकी भावनाएँ अपने पिताजी के लिए चेंज हो जाती हैं, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, पहले तो डर की भावना हुआ करती थी लेकिन बाद में समझदारी की भावना में परिवर्तित हो जाती है, और यही विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और यही कारण है, यही एक ये समझ का समझने का ही एक ये कारण हुआ करता है शायद संभवतः हर परिवार में, कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं तब समझ नहीं पाते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको क्यों डांटते हैं, क्यों फटकारते हैं, क्यों किसी काम के लिए रोक टोक करते हैं, लेकिन जब बाद में जब वो समझने लगते हैं तो उनको पता लगता है कि माता पिता हमारे ठीक ही किया करते थे। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वो एक डरावनी आकृति और अवॉइडेबल आकृति हुआ करती थी। ही का मतलब है बच्चों, यहाँ पर ही का मतलब है कि फादर, किसके फादर? उस बच्ची के फादर, वो जो उस बच्ची के पिताजी थे वो उसके लिए एक डरावनी आकृति और एक ऐसी आकृति जिसको कि अवॉइड किया जाए तो अच्छा है ना, इस पर ध्यान ना दें, ऐसे लगते थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, हर सुबह जब वो काम पर जाया करते थे तो वो उसके रूम में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक उसको एक कैजुअल किस दिया करते थे, तो टू विच शी रेस्पोंडेड विद गुड बाय फादर, और उस किस को वो का जवाब दिया करती थी किस रूप में, फादर को गुड बाय कहकर। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। देखिए, एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरिज, जिस गाड़ी पर उसके पिताजी जाया करते थे उसकी आवाज़ जब धुंधली उसको सुनाई देने लगती थी तो वो उसके अंदर एक तसल्ली की सांस वो लिया करती थी, एक तसल्ली जैसी उसको महसूस होती थी जब देखती थी कि उसके पिताजी रोड पर दूर तक निकल गए हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब वो घर आते थे तो वो खड़ी हो जाती थी एक मतलब सीढ़ियों के पास और उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती थी इन द हॉल में। क्या कहते थे वो, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेके आओ, हैजंट द पेपर येट कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, मम्मी से अपनी से कहते थे कि जाओ और देखो कि अखबार आया है या नहीं, एंड
ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें मेरे लिए लाओ। इस तरीके से उसके पिताजी दादी को और उस बच्ची केजिया को, केजिया भी इसमें नाम आया नहीं है लेकिन उस बच्ची का नाम केजिया होता है, तो उसको ऑर्डर दिया करते थे। अब आ गया देखिए, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया मम्मी उसकी आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि यदि तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और पिताजी के जूते लेकर आओ, बूट्स ऑफ यानी पिताजी के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे बच्ची सीढ़ियों से नीचे आती, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी धीमी धीमी गति से हॉल को पार करती थी, एंड पुश ओपन द डाउनिंग ड्राइंग रूम डोर, और धक्का देती थी ड्राइंग रूम के दरवाजे को। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस वक्त ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उसके जो फादर थे वो अपने चश्मे को ऊपर कर लिया करते थे और उसमें से चश्मे को चश्मे के नीचे से देखा करते थे कि them over and them in a that way that was terrifying to the little girl। इस तरीके से उस बच्ची को देखते थे जैसे कि उसको वो डरा रहे हों, यानी डराने वाले तरीके से उसको देखते थे। Well केजिया hurry up and pull off these boots and take them outside। केजिया जल्दी करो और इन जूतों को निकालो, उतार दो। Have you been a good girl today? क्या आप पूरे दिन एक अच्छी बच्ची के रूप में रहीं? I don't know father, मैं पिताजी मैं नहीं जानती, यानी वो लड़की थोड़ी हकला कर बोलती है, स्टैमर करती है। You don't know if you shutter your stutter like that mother will have to take you to the doctor। अब वो उसको कहते हैं कि यदि तुम इसी तरीके से हकला कर बोलोगी, रुक रुक करके बोलोगी, तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाएंगी। शी थर्ड पैराग्राफ है, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। देखिए वो कभी भी अन्य लोगों के साथ कभी हकलाती नहीं थी, हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसको लगभग उसने त्याग दिया था, छोड़ दिया था, बट अपने पिताजी के साथ वो हकलाती थी, बोलती थी। तो बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड, क्योंकि वो उस समय कुछ भी एक भी शब्द को प्रॉपरली उचित तरीके से बोलने की कठिन मेहनत कर रही होती थी, कोशिश कर रही होती थी, कहीं कुछ पिताजी के सामने कुछ गलत ना निकल जाए। वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, क्या बात है तुम इतनी, रेच्ड का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी, इतनी नाखुश क्यों दिखाई दे रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हेयर केजिया कैरी ऑन कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और अपनी माँ से कहते थे कि मुझे लगता है कि शायद तुमने इस बच्ची को कुछ सिखाया नहीं है कि सुसाइड के ब्रिंक तक है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे मर ही जाएगी अभी। और केजिया अब मेरी चाय का कप लेकर के आओ टू द टेबल केयरफुली, सावधानी पूर्वक चाय के कप को के टेबल तक लेके आओ। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही योन्ड, वो बहुत बड़े थे, उनके हाथ भी बड़े थे फादर के और उनकी गर्दन भी, विशेष रूप से जब वो जवाई लेते थे तो उनका मुंह भी काफ़ी बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उनके बारे में सोचने का मतलब है कि एक जाइंट यानी बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में सोचना, जाइंट का वैसे मतलब राक्षस से होता है बच्चों, लेकिन यहाँ हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो एक बड़े व्यक्ति के रूप में बोल सकते हैं। ऑन संडेज, फोर्थ पैराग्राफ है, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे की दोपहर को क्या हुआ करता था कि उसकी जो दादी माँ थी उसको बच्ची केजिया को अपने माता और पिता से अच्छी तरह से बात करने के लिए ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, लेकिन जब भी वो बच्ची जाती थी तो देखती थी इसकी माँ तो रीडिंग कर रही होती थी और पिताजी सोफे पर मतलब आराम की मुद्रा में सो रहे होते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपने रुमाल को अपने चेहरे पर ढके हुए होते थे।
his feet on one of the best cushions, और जो सबसे अच्छी कुशन होती थी उन पर उसके पैर हुआ करते थे, उस पर उनके पैर हुआ करते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, गहरी निद्रा में सोते रहते थे और वो खर्राटे भरा करते थे. देखो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, हैंकिंग ऊपर लगा हुआ है और कुशन पर पैर हैं और खर्राटे ले रहे हैं. और मदर क्या कर रही है, रीडिंग कर रही हैं और उसकी उनकी बच्ची उनसे बात करने के लिए दादी के द्वारा भेजी गई है. देखो दिया भी है, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा. इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों हम. शी सेट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क द टाइम व्हेन लुक्ड एट हर. और वो बच्ची क्या करती थी, स्टूल पर बैठ जाया करती थी और सीरियस होकर उनको देखा करती थी जब तक कि वो जाग नहीं जाते थे और स्ट्रेचिंग करते थे, यानी ऐसे जमाई वगैरह लेके हाथ पैरों को स्ट्रेच करते थे और उससे टाइम पूछते थे. देन लुक डेटर तब उसकी तरफ देखते थे. डोंट स्टे सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. इस तरीके से घूर करके मत देखो केजिया, तुम एक ब्राउन उल्लू की तरह से दिखाई देती हो. यानी अपनी बच्ची को उल्लू की उपाधि देते हुए वो बोलते थे. वन डे व्हेन शी वाज कैप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक. शी सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, बट गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज कैप्ट इंडोर्स, जब वो कोल्ड मतलब सर्दी की वजह से अंदर ही थी, दरवाजे के अंदर ही रही थी, तो उसकी दादी माँ ने उसको कहा कि तुम्हारे पिताजी का अगले हफ्ते बर्थडे आने वाला है और उसको सुझाव दिया कि तुम उनके लिए एक पिन कुशन बना लो गिफ्ट के रूप में, जो कि एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से बनेगा. लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स. बड़ी ही मेहनत से उस बच्ची ने डबल कॉटन लेकर के और मतलब कॉटन का कपड़ा लेके और उसको स्टिच कर दिया तीन साइड से. बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसको किस चीज़ से भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन. सवाल ये था कि अब उसमें फिलिंग क्या की जाए. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी. एंड शी वंडर्ड विद इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रेप्स, और फिलिंग के लिए वो बच्ची अंदर अपनी माँ के रूम में चली गई थी. वेंडर्ड यानी ऐसे घूमती ढूंढती चली गई थी. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड के पास जो टेबल रखी थी उस पर उसने देखा कि काफ़ी अच्छे पेपर के शीट्स वहाँ पर रखी हुई थी. गैदर्ड देम, अब उनको इकट्ठा किया. टोर देम, उनको फाड़ा इंटू टाइनी पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में. एंड स्टफ्ड हर केस, और उस कवर में भर दिया. देन सीड अप द फोर्थ साइड, और फिर जो चौथी साइड थी उसमें भी सिलाई लगा दी. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस दिन उस घर में बहुत ज़्यादा बहुत एंग्री प्रोटेस्ट हो गया, यानी बहुत ज़्यादा उसके पापा क्रोधित हो गए और उसके विरोध में आ गए. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर की जो पोर्ट अथॉरिटी के बारे में जो स्पीच के पेपर थे वो गायब हो चुके हैं. रूम्स वर स्ट्रेच सर्च्ड, सभी कमरों में ढूंढ लिया गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछ लिया गया. फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम, मुझे लगता कि शायद कहीं तुमने तो नहीं देखे कुछ पेपर हम टेबल पर हमारे रूम में. ओह यस शी सेड, हाँ उसने कहा, हाँ माँ मैंने देखे थे. आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मैंने तो उनको फाड़ दिया. व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई कि क्या किया तुमने ये. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी पल नीचे डाइनिंग रूम में आओ सीधी. एंड सिक्स पैराग्राफ स्टार्ट होता है. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको ड्रैग्ड खींच कर लाया वहाँ पर लाया गया जहाँ पर कि उसके पिताजी स्ट्रेच करके बैठे हुए. वेल शी हैड, शी सेड शार्पली, ही सेड शार्पली, उसके फादर ने पूछा एकदम तेजी से. मदर एक्सप्लेन्ड शी, वेल मतलब क्या हो गया. मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और बच्ची की तरफ घूर करके देखा.
पिताजी उसके रुके और बच्चे की तरफ घूर के देखा, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो 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 शी विस्पर्ड, उसने जिमी से कहा, नहीं पापा। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, उस चीज़ को जो इन्होंने बनाई थी उसको लेकर के जा आओ आप रूम में ऊपर जाकर। सी दैट द चाइल्ड हैज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो कि बच्ची ने जो अभी अभी बेड पर जो चीज़ रखी है उसको लेकर के आओ। सेवंथ पैराग्राफ, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट, देखो वो तेज़ी से चिल्लाती हुई, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी कि इतना तेज़ी से चिल्लाई कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शी ले एक मतलब अंधेरे कमरे में चली गई, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की जो अंधेरी हल्की हल्की सी डिम लाइट होती है उसको, उसमें मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, फर्श पर सैड यानी दुखी कर देने वाले छाप, पैरों की छाप बनाते हुए यानी धीरे धीरे। देन रादर केम इन टू द रूम, फिर रूम में आई विद रूलर इन हिज हैंड्स, और फादर आए उनके रूम में, देन फादर केम, फादर उसके रूम में एक स्केल हाथ में पकड़ कर ले करके आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा मैं आप तुम्हारी पिटाई लगाने वाला हूँ इसके लिए। ओह नो नो शी स्क्रीन, वो चिल्लाई, नहीं पिताजी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, जो कपड़े थे बिस्तर पर पड़े हुए थे उनमें उनके अंदर छुपते हुए, ही पुल्ड देम आउटसाइड, सॉरी पुल्ड देम असाइड, फादर ने उनको एक तरफ कर दिया कपड़ों को। सेट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, अपने आप हाथों को आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, एक बार तुमको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ये सिखा दिया जाएगा तो तुम फिर दोबारा उस चीज़ से कभी हाथ नहीं लगाओगी जो तुम्हारी नहीं थी, नहीं होती है। बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो तो तुम आपके बर्थडे के लिए थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसकी पिंक पिंक जो हथेलियाँ थी उन पर उस रूलर से पिताजी ने मारा। एट्थ पैराग्राफ, आवर्स लेटर, घंटों बाद, वेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द कुकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। अब आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, जब दादी माँ ने लपेट लिया उसको एक शॉल में और रॉकिंग चेयर पर, जो झूलने वाली चेयर होती है उस पर बैठ गई, उसको अपने अपने से सटाकर चिपकाकर अपनी सॉफ्ट बॉडी के साथ। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, वो सिसकियाँ लेने लगी और कहा कि पिताजी मतलब ईश्वर ने फादर्स को बनाया ही क्यों। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, बेटा ये बिल्कुल साफ रुमाल है। ब्लो योर नोज, अपनी नाक को साफ कर लो। गो टू स्लीप, सो जाओ पैट प्यारी बच्ची, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह जब तुम उठोगी तो ये सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू योर फादर, मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो अब आज तो आज रात को तो कुछ भी सुनने में अपसेट थे, यानी उन्होंने कुछ नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, जब फादर को उसने अगली बार देखा तो जल्दी से उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और एक गालों पर उसके पर एक रेड कलर का की चमक सी आ गई, यानी कि डर की वजह से। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट टुगेदर, अब जो उनके नेबर्स हैं उनके बारे में इस पैराग्राफ में बताया है, जो कि मैकडोनाल्ड फैमिली थी जो उनके पड़ोस में ही नेक्स्ट रहती थी, उनके दरवाजे के पास यानी कि पड़ोस में रहती थी बिल्कुल बगल में। दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके पांच बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। दे हैड पांच बच्चे थे और लुकिंग एक गैप, जो एक थोड़ा सा गैप था फेंस यानी जो बाउंड्री वॉल थी, दीवार थी, उसमें से जो छोटी बच्ची थी यानी केजिया थी, सॉ देम देखती थी उनको खेलते हुए। टैग
टैग एक गेम का नाम है, चिल्ड्रंस गेम फॉर कैच ऑफ कैचिंग वन अनादर, एक दूसरे को पकड़ने का यानी पकड़म पकड़ाई जिसको हम बोलते हैं, वो खेलते हुए शाम को उनको देखती थी। द फादर विद द बेबी, माओ बच्ची जो माओ थी उसके साथ उसके पिताजी ऑन हिज शोल्डर्स को कंधों पर बैठाते। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, दो अपने जो दो बच्चे थे उनको अपनी कोट के दोनों पॉकेट्स में वो लटकते रहते थे पकड़ करके। रन राउंड एंड राउंड और दौड़ते थे गोलाई में। द फ्लावर बेड्स जो क्यारियाँ थी फूलों की उनके चारों तरफ, शेकिंग विद लाफ्टर हंसी से हिलते हुए यानी खूब तेजी से हंसते हुए। वंस शी वाज द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार उसने देखा कि जो लड़के थे वो टर्न द होज ऑन हिम, उन पर जो पानी का पाइप था उसको बहा रहे थे पानी। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, उनको पकड़ने की कोशिश की। लाफिंग ऑल द टाइम, पूरे समय हंसते हुए। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने निश्चय किया पक्का किया कि पिताजी अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक ही एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी जो माँ थी केजिया की वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और दादी माँ हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, द कुक जो थी जिसका नाम एलिस था उसके साथ वो लड़की अकेली अपने घर पर रह गई। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस जो कुक थी उसने बच्ची को बिस्तर पर सुलाया तो वो एकदम से डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी, शी आज उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, जब मुझे अक्सर बुरे सपने आते तो दादी मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, में अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब बिल्कुल बेकार सा लगता है अंधेरे में। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम बस सो जाओ बच्ची, एलिस ने कहा पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजों को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, चिल्लाना मत और अपने पिताजी को डरा जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर, लेकिन वही बुरा सपना उसको फिर से आया पुराना वाला। उसमें एक कसाई होता है जो कि एक रस्सी और एक चाकू लेकर आता है और उसके करीब और करीब आता जाता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल और मुस्कुराते हुए उस भयानक स्माइल देते हुए, वाइल शी कुड नॉट मूव कुड ओनली हैंड स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल हिल भी नहीं सकती, सिर्फ खड़ी हो सकती थी सीधी। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, ग्रैंड माँ दादी माँ को आवाज़ लगाते हुए, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो बेड अ कैंडल इन हिज हैंड, उसने कांपते हुए जागी तो उसने देखा कि उसके पिताजी उसके बेड के बगल में एक हाथ में एक मोमबत्ती लेकर के खड़े हैं। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, पिताजी का क्या बात है। ओ अ बूचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, एक कसाई है और चाकू लेकर खड़ा है, अब मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को जलाया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, नीचे झुका और अपने उसको बच्ची को गोदी में पकड़ लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, कॉरिडोर में से लेकर के टू द बिग बेडरूम, बड़े बेडरूम में उसको ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को दूर हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और सावधानी पूर्वक बच्ची को अपनी गोदी में कस लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके सामने उसके बगल में लेट गए पिताजी। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी आधी ही सोई थी, स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, फिर से उसको वही बूचर की मुस्कुराहट दिखाई दी, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था जैसा पहले लगा था। शी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, वो अपने फादर के बिल्कुल पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिजाम, उसकी अपने सर को उसके पिताजी के बाहों में की हाथों के नीचे रख लिया। हेल्ड टाइटली टू स्टार्ट अप, उसकी शर्ट को उनकी को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क
डिड नॉट मैटर, शीले स्टिल, अब वो शांत लेट होकर लेट गई और अब अंधेरा कोई मायने नहीं रखता है। रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, शी सेड फादर, पिताजी ने कहा मेरे पैरों से अपने पैरों को रगड़ लो और उनको गर्म कर लो। ट्राइड आउट, कोशिश की, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, टायर्ड आउट, वो थके हुए थे पिताजी और वो सो गए उस बच्ची से भी पहले और एक फनी फीलिंग उनके अंदर आई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, ज़्यादा बड़े भी नहीं है आफ्टर ऑल, ये ना पहले जब उसने कहा था कि वो इतने बड़े हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर इट, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, पहले जब उसने एक बार कहा था कि पिताजी बहुत बड़े हैं, जाइंट जैसे हैं, एंड तो वो भावना उसके अंदर से अब जाती रही, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, मतलब इतने बड़े भी नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला तो कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से कठोर हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो उसको अच्छी लग रही थी और वो कह रही थी कि अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और प्रतिदिन उनको काम पर जाना पड़ता है और वो इतने ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं जो कि मैकडोनाल्ड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने सारी जो सुंदर राइटिंग थी उसको फाड़ दिया था। आखिर शी स्टिल्ड सडनली, अचानक वो हिली एंड साइड और उसने आह भरी, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। अनादर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया, ओह सेड द लिटिल गर्ल, बच्ची ने कहा, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर आपके हृदय पर है, दिल पर है, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं अब इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपको कितना बड़ा दिल मिला है फादर, डियर फादर, यानी पिताजी को प्रेम से पुकारते हुए उसने कहा। इससे आपको पता लग गया होगा बच्चों की पहले वही पिताजी उसको कितने बेकार लगते थे और एंड होते होते स्टोरी का उसको पता लग गया था कि उसके फादर कितने अच्छे थे, आखिर वो थक जाते हैं, इतना ज़्यादा व्यवहार गंदा इसलिए पहले वो किया करते थे। तो इस चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।